हेलो फ्रेंड्स, प्रीति देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम सामान में बन जाने वाली मिठाई बताऊंगी। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध लेना होगा, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मुझे इतनी ही मिठाइयाँ बनानी थी इसलिए मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। और इसमें जो है इसका छीने को अलग करने के लिए ये मैंने सिरका लिया है। तो सिरके में हमें 1/2 कप पानी ऐड कर देना है। और ये देखिए, मैंने 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इस सिरके को थोड़ा थोड़ा करके उबलते हुए दूध में डालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दूध उबल चुका है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालूंगी और इसे अच्छे से चलाती जाऊंगी। तो ये देखिए, सिरका पड़ चुका है और अब मैं इसे करछुल से चलाती जाऊंगी। तो ये देखिए, अब दूध जो है थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया है और इसी टाइम पे हम थोड़ा सा सिरका और इसमें ऐड करेंगे। अगर आप सिरके से नहीं फाड़ना चाहते हैं और घर में सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छेना बिल्कुल अलग हो चुका है दूध से और ये अच्छे से निकल चुका है। तो अब हम इसी छेने को छान लेंगे अच्छे से कॉटन के कपड़े में रख करके। जब छेने का पानी छेने से अलग हो जाएगा तो हम उसे जो है कपड़े को अच्छे से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए छान लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं वीडियो में छान रही हूँ इसी तरह से छानना है और उसके पानी को निकाल लेना है। पूरा एकदम बिल्कुल सूख नहीं जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना भी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो कि पूरा पानी निकल चुका है उस पनीर को हमें कढ़ाई में ऐड कर देना है। और कढ़ाई में रखने के बाद स्लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा गर्म करना है। जब हम इसे गर्म करेंगे थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, उसी टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो ये लगभग 1 पाव होगा पनीर। उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमें 5 से 6 चम्मच चीनी ऐड कर देना है और इसे स्लो फ्लेम पर ही चलाते रहना है, जिससे कि चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और खोए में अच्छे से मिल जाएगी। और खोए को लगातार दबाते हुए चलाना है जिससे कि जो इसमें गुठलियाँ होती हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाएंगी एक दूसरे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसी टाइम पे हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो ये मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड किया है। जिस कटोरी से मैंने चीनी ऐड किया था ना, उसी कटोरी से मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कटोरी नारियल का बुरादा डालेंगे। तो ये नारियल का बुरादा जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है मिठाई में, तो इसलिए आप ये ज़रूर डालें। और इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी का पानी सूख नहीं जाता है। तो ये देखिए, मैंने 2 कटोरी भी इसमें बुरादा डाल दिया है और इसमें ये मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का यूज़ किया है, आप रेड या ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर थोड़ा अच्छा इफेक्ट लाता है इसलिए मैंने येलो कलर का ही यूज़ किया है। आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है। थोड़ा इससे देखने से मिठाई थोड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए, मिठाई पूरी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। अब मैं इसमें कलर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर पूरा अच्छे से तैयार हो गया है और इसमें मैंने चीनी वगैरह भी ऐड कर दिया है। पानी बिल्कुल सूख गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और ये थोड़ा गुनगुना ही रहेगा तभी हम इसे मिठाई का शेप दे देंगे। तो मैंने हल्का लंबा शेप दिया है, आप इसका शेप गोल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी मिठाइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। आप इसे थोड़ा सा चिपटा भी कर सकते हैं तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिठाइयाँ सारी बन करके तैयार हो गई हैं और मैंने इसमें ऊपर से केसर का भी यूज़ किया है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल दिया है तो ये बिल्कुल ही
रेडीमेड मिठाई की तरह से लग रही है। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये मिठाई, है ना इसे बनाना बहुत इजी। तो फ्रेंड्स आप भी घर पर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मिठाई पसंद आए तो लाइक करिए। बाय।